लखीमपुर शहर के गोला रोड स्थित कैपी बैकेट हॉल में 2 मई की रात शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, जहां शादी समारोह के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब पुलिस को साथ लेकर एक महिला केपी बैकेट हॉल पहुंची, जिस लड़की से पति की दूसरी शादी हो रही थी। उस लड़की के परिजनों को मोनिका सिंह नाम की महिला ने पूरी बात बताई, जिसके बाद लड़की पक्ष वालों को पता चला कि जिस लड़के से वे शादी कर रहे थे वे पहले से शादीशुदा है। कैपी बैकेट हॉल में हंगामे के बाद पुलिस ने झांसा देकर दूसरी शादी करने वाले अभिषेक सिंह नाम के व्यक्ति और उसके परिजनों को सदर कोतवाली लेकर पहुंची, और साथ ही अभिषेक सिंह की पत्नी मोनिका सिंह व लड़की पक्ष के लोग भी सदर कोतवाली पहुंचे, जहां अभिषेक सिंह की पत्नी मोनिका सिंह ने बताया कि उसकी शादी 2015 में बाराबंकी निवासी अभिषेक सिंह पुत्र दिनेश प्रताप सिंह के साथ आर्य समाज मंदिर अलीगंज लखनऊ में हुई। मोनिका सिंह को जब पता चला कि उसका पति अभिषेक सिंह दूसरी शादी कर रहा है तो पुलिस लेकर मैरिज हॉल पहुंची और पति के द्वारा रचाई जा रही दूसरी शादी को रुकवाया। वहीं जिस लड़की से अभिषेक की शादी हो रही थी उस लड़की के परिजन भी सदर कोतवाली में भड़क उठे। उन्होंने भी बताया कि अभिषेक सिंह की पहली शादी हो चुकी है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अभिषेक सिंह और उसके परिवार वालों ने उन्हें धोखे में रखा। जिस लड़की से अभिषेक सिंह की दूसरी शादी हो रही थी उसके परिजनों ने शादी का पूरा खर्च, दान, दहेज में दिया गया सामान वापस करने की मांग की है। वंदे भारत के लिए लखीमपुर खीरी से अनूप भास्कर की रिपोर्ट। बस, क्या नाम है आपका? मोनिका सिंह। क्या आज आप लोग कहाँ आए हैं और आपकी शादी पहले से हो रखी थी, आपके पति दूसरी शादी कर रहे थे, कैसे जानकारी हुई और कहाँ आए हैं आप लोग? हम लोगों को एक चिट्ठी मिली थी कि ये लोग जो है केपी बैंकट हॉल में शादी कर रहे हैं। कहाँ? यहाँ लखीमपुर में। तब हम लोग जो है यहाँ पे आए और मतलब हम लोगों ने यहाँ बैंकट हॉल में कॉन्टेक्ट किया, जो नंबर पड़ा हुआ था, तो उन लोगों को बोला कि हम लोगों को लड़की वालों का नंबर दीजिए और बात करिए। तो उन लोगों ने थोड़ा कॉपरेट किया, लड़की वालों से बातचीत हुई उन लोगों की। यहाँ आके क्या देखा फिर आपने, जब यहाँ पहुँचे हैं बैंक रोड पे? हाँ, क्या देखा आपने, क्या नज़ारा था यहाँ पे? लड़की वाले जो है हंगामा कर रहे थे, उन लोगों को जो है बैठा ले हुए थे। हम लोग तो पुलिस लेकर पहुँचे थे, पुलिस आई तो साथ में। जब आपने वहाँ पर पहुँची आप, तो वहाँ पर देखा कि शादी की तैयारियाँ हो चुकी थी? सारी हो चुकी थी। आपको इसकी जानकारी कोई नहीं थी? पहले से कुछ नहीं था। कब शादी हुई आपकी? हुई थी हमारी 2015 में शादी। कहाँ शादी हुई थी आपकी? अलीगंज आर्य समाज में।